जब साहब ये बताइएगा, इतवार के रोज़ हमने एहतजाज के बाद जो गिरफ्तारियां देखी, पहले मरियम साहिबा ने भी ये बात की और बहुत से नून लीग के रहनुमा भी ये बात करते हैं कि एजिटेशन पॉलिटिक्स जो है वो वतीरा बन चुका है सुन्नी इतिहाद का, जो पीटीआई के मेम्बरान भी हैं उनका भी, तो वो तो ये कह रहे हैं कि अब दरअसल जो आपका रिकॉर्ड है वो ठीक नहीं है, इसीलिए हमें ये करना पड़ेगा। देखिए, इनके इनकी ठगों की हुकूमत है, इन लोगों ने डाका जनी के जरिए हुकूमत ली है और जिस तरह ये वजूद में आए हैं वो सबके सामने है, सबके पास रिकॉर्ड मौजूद है, फॉर्म 45 मौजूद है, 47 के जरिए जिस तरह उन्होंने टेम्परिंग की है वो सब आपके सामने, और इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट आने के बाद और फॉर्म 45 अपलोड करने के बाद तो सब कुछ सबके सामने आ चुका है। हमारा वतीरा है बिल्कुल, हम आईन और कानून पे अमल करने वाले लोग हैं, हम पूरा मन एहतजाज करने वाले लोग हैं। आज भी आप मेरा हमारा एहतजाज उठा के देख लें, कल हमने किया है पूरे पाकिस्तान में, किसी जगह एक गमला नहीं टूटा, लेकिन इन्होंने पुलिस को इस्तेमाल किया अपने मफादात के लिए और हमारे खिलाफ हमारे सीनियर वकीलों को गिरफ्तार किया, मेरे खिलाफ कल FIR काटी गई, और ये दो हफ्ते पहले हमने जो किया था एहतजाज उसमें FIR हमारे खिलाफ काट दी गई। ये सारा जो फ्रॉड और फोर्जरी इन्होंने की है इलेक्शन कमीशन ने और रिटर्निंग ऑफिसर ने, वो सबके सामने आया हो चुका है, और जिसके बेनिफिशरीज मुस्लिम लीग नून MQM और पीपल्स पार्टी वाले हैं और सबको ये पता है। और ये जो हमने देखा है कि मरियम साहिबा के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं, शेर अफजल मरवत साहब ने ये कहा कि उनको मरवाने के लिए पैसे दे दिए हैं, शानदाना गुलजार साहिबा कह रही हैं कि जिले शाह की के हवाले से जो कुछ हुआ उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट है, ये तो वो कह रहे हैं बेसलेस एक्यूजेशन हैं, इसका कोई सबूत नहीं है, बहुत सीरियस इल्ज़ाम कैसे लग जाते हैं फिर? चलो सर, इस बारे में तो मैं इसलिए नहीं बात करता, जिसने कहा है या जिसने इल्जाम लगाया है वही बता सकता है, बात स्टैंड नहीं करते इसके साथ। नहीं, मैं कुछ नहीं कहता, किसी के पास अगर मैं को आज कोई बात कर रहा हूँ, मेरे पास एविडेंस है तो मैं ही जवाब दे हूँ ना। पार्टी लेवल पे तो बात नहीं हुई, एक शख्स ने बताया है और इस शख्स के पास अगर एविडेंस है तो आप जरूर उनसे पूछ सकते हैं, उनके पास कोई ना कोई एविडेंस होगी जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये चीज आपके सामने रखी है, और मैं समझता हूँ कि मैं तो उसकी बात नहीं करता, मगर सिंपल बात है, आज क्वेश्चन सिर्फ ये है कि क्या पुरअमन एहतजाज करना हमारा ये हक है या नहीं है, और अगर हमारा ये हक है तो किस बुनियाद पर ये फिर हमें रिफ्यूज कर सकते हैं। अच्छा, और अभी हमने जो देखा है मोहसिन नकवी साहब की काबीना में शमूलियत के बारे में जो बात की जा रही है, आप लोगों को इस पर ये फील हो रहा है कि दरअसल इट्स अ मैसेज फॉर यू, या फिर आपको लगता है कि दरअसल अगर वो आ भी जाते हैं तो जो शहबाज शरीफ साहब का विजन होगा गवर्नेंस का उसी को वो फॉलो करेंगे? देखें, बात यह है कि अगर ढिटाई बेईमानी डाकाजनी इनका वतीरा बन चुका है और मोहसिन नकवी ने जो इनको रिजल्ट दिया है, जो कुछ उसने पार्टी को डिसमेंटल करने की कोशिश की है, जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट का और PMLN का मोहरा बन के उसने बतौर केयर टेकर चीफ मिनिस्टर काम किया है, उसकी खिदमात के सिलसिले में उनको लाया जा रहा है, जो जुल्म उसने हमारे लोगों पे रखे, जो चादर चार दीवारी के पामाली की, लोगों पे तशद्दुद किया, लोगों के साथ नाजेबा किस्म की हरकत की, वो सब आपके सामने है, उसकी कोई एक नहीं कोई बीसियों वीडियोस सामने आ चुकी हैं। हमें तो ऐसा लगता था कि जैसे कि ये PTI के लोग या ये पंजाब के लोग किसी फलस्तीन में रहते हैं या कश्मीर में रहते हैं, जो कुछ उनके साथ हो रहा था, इंसानियत सो सलूक किया जा रहा था, मगर इस सब कुछ के बावजूद क्या रिजल्ट दिया उसने? बदतरीन किस्म की उनको शिकस्त हुई PMLN को, और ये हरकतें अगर ये अब ये पाकिस्तान लेवल पे भी कराना चाहते हैं करा के देख लें, हमारी पार्टी तो पहले से ज्यादा मजबूत हुई है, पहले से ज्यादा लोग आज भी खड़े हुए हैं, आज भी सबसे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और बाहर निकले हैं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है हमारे अपने वर्कर्स पे, हमारे लोगों पे, कि इसके बावजूद कि जितना कुछ उन्होंने बेईमानियां तशद्दुद और चादर चार दीवारी की पामाली कर सकते थे उन्होंने की है, और अगर आप इस बदनुमा दाग को शहबाज शरीफ अपने माथे पे सजाना चाहता है तो सजाए, लेकिन ये एक बताएं कि ये फिर ये न्यूट्रल कहां से थे, फिर कैसे? इसका मतलब है कि इनके लिए खिदमात सर अंजाम दे रहे थे वो सरफराज बुगटी, जो 6 महीने तो हमारा इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल रहा, उसको उठा करके वहां बलूचिस्तान दे दिया पीपल्स पार्टी ने। इसी तरह जो आपके सामने है, लबला करे, यहाँ केयर टेकर्स वाले जिनके पास इंडिपेंडेंट थे, न्यूट्रल थे, आज इस हुकूमत का हिस्सा है, इसका मतलब है वो न्यूट्रल इंडिपेंडेंट नहीं थे, वो फ्रॉड था इलेक्शन कमीशन का भी, वो फ्रॉड था उस वक्त की हुकूमत का भी जिन्होंने उनको लगाया था, या जिस तरह वो काम कर रहे थे, तो इसका मतलब है वो किसी के एजेंडे पे काम कर रहे थे, तो इनको खुद शर्म और गैरत खत्म हो गई है
कि लोगों के सामने तो कम से कम वो अपना इंडिपेंडेंट चेहरा सामने रखे कि जी हम कहते करते हम इंडिपेंडेंट थे, लेकिन जिनके लिए वो काम कर रहे थे उन्होंने उसको नवाजना ही नवाजना था, वो आज नवाजे जा रहे हैं। शेख साहब, आप जिस तरह से अभी आईनी हक की बात भी कर रहे थे, अब एक तनकीद ये होती है कि एक आईनी जिम्मेदारी गंडापुर साहब की भी है कि अगर वो हल बर्दारी की तकारीब को भी बॉयकॉट कर रहे हैं, फिर वजीर आजम पेशावर में लैंड करते हैं वहां भी नहीं जाते, तो इख्तलाफ अपनी जगह रख के क्या आईनी जिम्मेदारी भी पूरी नहीं हो सकती? ये कौन सी देखें, आइन के साथ ये आए हुए, पार्लियमान मुकम्मल नहीं था, इन्होंने अपने आप को मुंतखब करा लिया, रिजर्व सीट्स जो इनको नहीं मिलनी थी वो फरमाइशी एप्लीकेशन लेके उनके जरिए अपने अपने नाम करा ली, फिर जिस चोरी और डाकाजनी के जरिए ये वजूद में आए हुए हैं वो सबके सामने है, वो कौन सी आइनी जिम्मेदारी बाकी है? बाकी आइनी जिम्मेदारी ये है कि वो वफाक के साथ तावन करें, वफाक के साथ कर रहे हैं, और ये कहना कि उनको जाकर प्रोटोकॉल दे, ये किस कानून और किस किताब में लिखा हुआ है? वो नहीं है, और वो नहीं दिया तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, सही, मतलब पहले नवाज शरीफ साहब पे तनकीद होती थी ना एक दौर में कि बेनजीर साहिबा आईं, उनको रिसीव भी नहीं किया, अलबरदारी में भी नहीं गए। देखिये वो वैलिडली इलेक्टेड लोग थे, आज ये हमें बताएं, हमने तो ऑफर किए है ना कि हमारे केपी के सारे हल्के खुलवा लें, आप बताएं इमरान खान ने क्या कहा, इस्लामाबाद का हल्के खोल लें, यास्मीन राशिद वाला हल्का खोल लें, आप नूर आलम वाला हल्का खोल लें, उधर 3-4-5 हल्कों की बात की उन्होंने, खोलें आपको सारा रिजल्ट सामने आ जाएगा। तो इनका तो ये तो देखे ना जिस तरीके से ये ठगू की तरह और डाकू की तरह आकर मुसल्लत हुए रिजेक्टेड लोग, और अगर ये आकर आज जो मिनिस्टर्स बने, मुझे बताएं इनमें से जो जो एमएनएस थे कौन सा ड्यूली इलेक्टेड है जिसके खिलाफ पूरी एविडेंस मौजूद नहीं है? हमारे पास तो पूरी एविडेंस मौजूद है। और ये मौलाना साहब ने अब इनकार किया आपके साथ मिलकर एहतजाज करने का, तो उनको परसू करेंगे आप या उनकी ओपिनियन को रिस्पेक्ट करेंगे और यू लेट हिम डू व्हाटएवर ही वांट्स टू डू? देखिए मौलाना साहब से तो मैंने पहले दिन से इरिस्पेक्टिव विद ग्रेट रिस्पेक्ट मैंने पहले दिन से अपने पार्टी से भी इख्तलाफ किया था और आज भी करता हूँ कि मौलाना साहब एक दुनियादार आदमी है और उन्होंने अपने मफादात की एक पूरा एक अपना लेन देन कर रहा है और जो वो उनको मिलेगा वो वापस चले जाएंगे। और देखे ना इस बंदर बांट में वो उनके बंदे नहीं आए, मौलाना साहब एप्लीकेशन लेके नहीं पहुंचे कि जी हमें रिजर्व सीटें दे दो, ये कोई रेबड़ी है, कोई हलवा है, ये कोई गिफ्ट है या खैरात है कि बाकी को दे दो। भाई आर्टिकल 51 है या इलेक्शन एक्ट है वो ये कहता है कि प्रोपोर्शनेट शेयर होगा, तनासब के हिसाब से जितनी जनरल सीटें होंगी खवातीन की और मिनोरिटीज की उतनी नुमाइंदगी आप अपनी पार्टी में से देंगे, और उसको उठा करके बाकी पार्टियों में बांट दिया, वो किस कानून के तहत? और ये शुएब साहब, ये अब एक जिस तरह से मरियम साहिबा ने भी जीरो टॉलरेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा सड़कें बंद नहीं होनी चाहिए, अमला को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, अब अगर आपकी पार्टी ने ये फैसला कर लिया है कि हम एहतजाजी पॉलिटिक्स तो करनी पड़ेगी क्योंकि इलेक्शन को आप नहीं मान रहे, तो फिर वे फॉरवर्ड क्या है? क्या पार्लियामान के अंदर भी कोई स्ट्रेटजी है या आपको लगता है कि वहाँ बैठ के अपोज करने का भी फायदा नहीं है और जो सड़कें हैं सिर्फ वही दरअसल? पार्लियामान में भी जाएंगे और हमने कब कहा है कि हम सड़कें बंद कर रहे हैं? भाई हमारा आईनी और कानूनी हक है, हमारे जो वकीलों को तशद्दुद गिरफ्तार किया मुझे बताएं क्या था उनके खिलाफ, वो अपना पुरमन एहतजाज के लिए बाहर निकलते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया, और गाड़ियों से जिस तरह उतारा है, जिस तरह लोगों को तशद्दुद किया है, और पिछले हफ्ते अहमद शाह को जिस तरह पुलिस ने मारा है और जा करके ICU में दाखिल करा दिया, एक बच्चा हमारा शहीद कर दिया पुलिस कस्टडी में वहां रैलियार खान में, ये कोई इंसानियत के दायरे से भी ये बाहर हो चुके हैं, और जिस अंदाज से ये फासिज्म फैला रहे हैं, ये मजीद नफरतें फैला रहे हैं, ये मुल्क चलाने के काबिल नहीं है, इन लोगों के ऊपर इनके हवाले मुल्क को करना मुल्क को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। सही सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका कहना यही था कि एहतजाज जो हमारा है वो आयन की पासदारी करते हुए जारी रहेगा, उसकी वजह यह कि उन्होंने खुद कहा कि जिस किस्म का ये इंतखाब हुआ है और जिस तरह से ये मैंडेट डिवाइड किया जा रहा है, मोहसिन नकवी साहब के हवाले से उन्होंने बात की कि इसको वो तस्लीम नहीं करते। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे विद अस।